मेरी यात्रा रामलला मंदिर के लिए स्टार्ट हो गई है। हम लोग यहाँ पे अभी ऑटो से निकले हैं, वही तीर्थ क्षेत्र पुरम से। ये देखिए पुराने हम मकान हवेलियाँ अयोध्या की, और इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता था। ये मकान आप देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और इसका आर्किटेक्चर देखिए आप। तो लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है, ऐसा सुनने में आया कि ये रोड चौड़ा होगा और बहुत सारा पार्ट जो है हटा दिया जाएगा। ये मुख्य मार्ग है और इसमें आ चुके हैं। अब यहाँ से जब हम इस तरफ चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा आपका राम जन्मभूमि रामलला का मंदिर। बस यहीं से आने वाला है, मेन गली में आना होता है एक बार। और देखिए अभी सुबह भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। और ये है हनुमानगढ़ी, पीछे जो है ये हनुमानगढ़ी है। और लेकिन हम अभी चल रहे हैं राम जन्मभूमि की तरफ। जो भी भक्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि जब आप रामलला के दर्शन करने आएँ तो एक बात का ध्यान रखें कि आपके पॉकेट में वॉलेट नहीं होना चाहिए और मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई बैग है, मोबाइल है, कैमरा वगैरह है, तो वो सब यहाँ लॉकर रूम में आपको डिपॉज़िट करना पड़ेगा। और उसको डिपॉज़िट करने में भी जो लाइन में आप लगेंगे उसमें लगभग एक आध घंटा लगता है। तो इससे बेटर है कि आप जो है वो सब चीज़ें घर पे रख के आएँ। खाली जो अगर आपको कैश अमाउंट चाहिए वो कैश आप रख सकते हैं, चाबी आप रख सकते हैं, लेकिन वॉलेट नहीं रख सकते। वॉलेट, मोबाइल और किसी तरह का कैमरा वगैरह और बैग वगैरह, ये सब चीज़ें रखवा ली जाती हैं लॉकर रूम में। तो और किसी तरह का प्रसाद भी यहाँ नहीं चढ़ा सकते आप। तो प्रसाद है, माला वगैरह नहीं लेके आए रामलला के दर्शन में, आपको खाली हाथ आना है। बल्कि आपको जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा। तो अब हम आ चुके हैं दर्शन के लिए। ये देखिए, पहले मैं आपको फ्रंट साइड दिखाना चाहूँगा। ये श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र है, और ये यहाँ से फ्रंट से देखा जा सकता है कि हम लोग बिल्कुल आ गए हैं। ये बिल्कुल मुख्य जो सामने जो जा रही है, ये वाला जो रोड सामने जा रहा है, ये सारे भक्त जो हैं लाइन से दर्शन के लिए अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ से आप देखिए ये एंट्री हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप एकदम खाली जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। आप तुरंत जो है दर्शन वाली लाइन में एंटर कर पाओगे, नहीं तो इधर जो पीछे है ये शेड जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लॉकर रूम है। तो पहले आपको लॉकर रूम में अपना सामान जमा करना पड़ेगा, उसमें एक घंटा लगता है, और उसके बाद में आप जो है लाइन में लगेंगे। तो बेस्ट ये है, व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार की गई हैं, ये ध्यान रखिए। और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, आज जो तारीख है 18 तारीख है, तो अब जो साउथ इंडियन भक्त हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को आ रहे हैं। शुरू में वो लोग नहीं थे, लेकिन आप भीड़ देखें, बहुत ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ। को पैसे चाहिए होते हैं, ये सब एक ही काम है। और पकड़ लिया इन्होंने भक्तों को, जिनको तिलक लगाया ना, पैसा देना पड़ेगा भाई। हाँ, पकड़ ले जाओ, अपने ले जाओ। मित्रों, जैसे मैंने बताया कि अभी मैं रामलला के दर्शन के लिए अंदर जा रहा हूँ, तो ये कैमरा, बैग वगैरह, मेरी सारी चीज़ें जैसे डिटेल्स मैंने दे दी हैं आपको, वो सारी चीज़ें जो हैं जमा कर ली जाएंगी। और उसके बाद में जो है जब मैं बाहर आऊँगा तो मैं इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी हम जहाँ तक अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ तक रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जल्दी लगा। ये देखिए श्री राम का तिलक लगता है। और बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, और लोग जो है एकदम 500 साल रामलला को वापस अपनी जगह पे स्थापित होने में लगे। तो
बहुत ही ज़्यादा असीम ऊर्जा है यहाँ पे, लोगों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। वो आप देखेंगे तो लोग भक्तों की टोली बना बना के आ रहे हैं, हजार हजार भक्त एक साथ आते हैं बसों में भर के। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ये देखिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या प्रोजेक्ट और योगी और मोदी, इन दोनों की जो मेहनत है आज यहाँ रंग लाई है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि हर तरह का खाना, लंगर नंबर वन खाना, आपको चाय नाश्ता और हर तरह की चीज़ें जो है फ्री अवेलेबल है सारा। आप यहाँ पे किसी भी होटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लंगर व्यवस्था है वो अपने आप में इतनी सुंदर है, खाना आपको इतना अच्छा मिलने वाला है। तो आप जो है कहीं पे भी जो मंदिर हैं, अलग अलग मंदिरों में जब जाएंगे तो आपको साउथ इंडियन फूड मिलेगा, हर तरह का फूड मिलेगा। ये देखिए भाई साहब कितने सुंदर लग रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बेंगलोर सिटी से हूँ। हाँ, हम लोग तकरीबन 1800 लोग आया है। हाँ हाँ, हस्ता एक्सप्रेस, स्पेशल एक्सप्रेस में। हाँ हाँ, और यहाँ का बहुत कुछ सहूलत बना के रखा है मोदी जी और हमारा योगी जी बाबा ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी का चिंता नहीं है। हाँ, ये देखिए राम जो है पुनर्स्थापित हो चुके हैं। राम अपने मंदिर में बैठ चुके हैं। रेमा झा जो सहरसा से आई है। जय श्री राम। चप्पल स्टैंड पर पहुंचे, उनका पति उनका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग मंदिर के अलग अलग भागों में, ये देखिए ये श्री सुग्रीव किला है अयोध्या का, तो ये पुरानी जगह है लेकिन अब इनमें सब में रिनोवेशन वर्क हो चुका है। ये देखिए यहाँ दिखाया हुआ है एरो, सुग्रीव किला देख सकते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और हनुमानगढ़ी के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। मैंने दिखाई थी आपको हनुमानगढ़ी, वो साहू श्री राम जानकी मंदिर सामने, भक्त लोग वहाँ पे भी दर्शन करने जा रहे हैं। वो जब आप रिटर्न में आएंगे तो वहाँ पे जा सकते हैं। और जो यहाँ जो सुगंध आ रही है वो जो वीडियो देखने वाले हैं वो उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए ये अगरबत्ती एक है, ये बहुत बड़ी अगरबत्ती जल रही है। मित्रों मैं मंदिर की आपको झलक यहाँ से दिखा सकता हूँ सामने से। तो हम ये जो पूरा एरिया है ये है पूरा, यहाँ पे अपने डिपॉजिट करना होता है और ये डिपॉजिट होने के बाद में आप बढ़ेंगे आगे। और वो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, आप देखें है ना, वो जो मंदिर है वही है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पे अभी क्रेन काम कर रही है, वो क्रेन का मोमेंट आपको दिख रहा होगा, वही जो जगह है रामलला की और वहाँ पे हमें पहुँचना है। ठीक है, लॉकर में सारा सामान हमारा जमा हो जाएगा और उसके बाद में हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लॉकर रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पहले स्कैन होगा, स्कैन होने के पश्चात आगे बढ़ेंगे। मित्रों ये स्कैनर मशीन्स हैं, तो इनिशियली जो यहाँ पे आ रहे हैं जितने रामलला के दर्शन करने, तो ये बहुत सारी स्कैनर मशीन्स एक साथ लाइन में लगी हुई हैं। और यहाँ से निकलने के बाद में आगे जो है हम लॉकर रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले आपको शूज़ जमा कराने हैं अपने और उसके पश्चात जो है आपको, जैसे मैंने पूरी डिटेल बताई थी, वो सारी चीज़ें जमा होंगी। तो उसके बाद ही जो है आगे आप रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लो भैया ये देखिए मुझे एक चाबी मिल गई है और इन्होंने शूज़ रख लिए हैं। तो ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं इनमें सब में शूज़ डिपॉजिट हो रहे हैं, यहाँ से लेके आगे तक आप देखिए सब जगह यही काम है। और इस तरह की एक की मिल जाती है, ये की है B18। तो मैं इसी जगह पे आऊँगा और जब मैं पीछे रिटर्न होके आऊँगा तो इसी के अपोजिट साइड में, ये देखिए ABCDEFG लिखा हुआ है और मेरी जो चैन है वो B1 है, तो वो जमा हो जाएगा, हो गया है। और आते समय मैं उसके अपोजिट साइड से उसको रिटर्न ले लूँगा। मित्रों अब मैं बैक काउंटर की तरफ जा रहा हूँ, वो सारे सामान आपको जमा करने होते हैं, किसी तरह की माला, प्रसाद, पानी वगैरह, वॉलेट है, मोबाइल है, कैमरा है, ये सब कुछ नहीं ले जा सकते।
खाली आपके पास में कैश हो सकता है और आपकी चाबियां हो सकती हैं, वो उस चीज़ को वो अलाउ करते हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये सब है, ये बैग काउंटर हैं, ये सारे आपके बैग डिपॉजिट हो जाएंगे, उसमें सारी चीज़ें रखिए और आराम से जो है आगे बढ़िए। इसके बाद आप खाली हाथ होते हैं और सारी चीज़ें जो हैं ये देखिए, ये लॉकर्स हैं सारे, और इन लॉकर्स में जो है सारे सामान डिपॉजिट हो जाने वाले हैं। आज थोड़ी भीड़ कम है तो मुझे जल्दी नंबर आ रहा है, मैं 11 नंबर काउंटर के सामने खड़ा हुआ हूँ, बैग जमा हो जाएगा और मुझे एक चाबी मिल जाएगी। तो कैमरा मुझे अभी यहीं बंद करना होगा क्योंकि ये कैमरा भी मुझे बैग में रखना है, फिर हम लोग मिलते हैं जब मेरे हाथ में वापस कैमरा होगा। ये एग्ज़िट काउंटर है और यहाँ से मुझे अभी मिल चुका अपना, इस तरह से ये देखिए लॉकर लग रहा हुआ है और सभी यहाँ लॉकर में जमा कराते हैं, है ना। और मेडिकल सेवाएं हैं यहाँ पे, सारी दिखाता हूँ मैं आपको, अगर इंस्टेंट किसी तरह की ज़रूरत होती है मेडिकल की तो वो ले सकते हैं। ये वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में यहाँ पे बैठ के आराम से उतर सकते हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं शानदार। तो अभी हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, तो ये एग्ज़िट पोर्शन है, दर्शन हो गए और इसके बाद में एग्ज़िट इधर से हो जाएगा। देखिए मंदिर से बाहर जाने का रास्ता और ये वापस, अब यहाँ तुरंत ही जैसे बाहर आते हो तो शूज़ काउंटर हैं और यहाँ से अपने शूज़ वगैरह वापस लेके और आप हर तरह से चीज़ें सुरक्षित अपनी वापस लेके जा सकते हो। मित्रों अब मैं पूरे दर्शन करके, रामलला के दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ और ये आप जगह देखें, ये पूरा शूज़ काउंटर है, लोग जो एंटर करना चाह रहे हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और जो उधर आ चुके हैं बाहर तो वो जो है अपने शूज़ वगैरह जो है वो ले रहे हैं। और बीच में ये बैठने की जगह भी है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, रोक रोक के एंट्री दी जा रही है, बीच में रोक दिया जाता है और भीड़ का एक जत्था बीच में रुक जाता है, फिर दूसरा सेकंड पार्ट आता है, इस तरह से चलता रहता है। तो शूज़ है वापस लेने का काउंटर है, तो ये B1 और ये मेरे को जिस तरह से B1 का छल्ला दिया था तो ये मेरे को मिल जाएगा। तो ये इस साइड, ये एग्जिट साइड से आपको लेने अपने शूज़। यस, इस तरह मेरे रामलला के दर्शन पूरे हो चुके, मुझे वापस अपना बैग और शूज़ वगैरह सब मिल गए। और ये देखिए मंदिर से बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ से जितने भी भक्त लोग हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये इस तरफ मंदिर श्री राम मंदिर जाने वालों की रास्ता लाइन है और इस तरफ जो मंदिर के दर्शन कर चुके हैं उन लोगों की लाइन है। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि राम तीर्थ में ही अंदर ही स्थित है राम जानकी मंदिर। तो ये देखिए, ये तो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, रामलला का दर्शन उधर होता है और इस तरफ अगर आप देखेंगे कॉर्नर पे जब आप बाहर आ रहे हैं तो ये श्री राम जानकी मंदिर है, तो वो हम देखते हैं। ये मंदिर जो है 1785 के आसपास का बताया जा रहा है कि 1785 में ये बना था, श्री राम जानकी मंदिर। तो मित्रों ये एक बहुत ही छोटा सा मंदिर है, राम जानकी मंदिर, मंदिर परिसर में ही है। तो जब आप बाहर की तरफ आएँ तो ध्यान रखें कि इस मंदिर के, छोटे से मंदिर के दर्शन करते हुए आप बाहर निकल सकते हैं।